का दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे एक चैप्टर जो दैट इज रिलेटेड टू दैट इज यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट ब्यूरी ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। उसमें उसने एक एग्जाम कंडक्ट करा था है, जिसका नाम है नेशनल सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन फॉर एनर्जी मैनेजर्स एंड एनर्जी ऑडिटर्स। और उसी का एक गाइड बुक नंबर थ्री का फर्स्ट चैप्टर आज हम पढ़ाएंगे। हम थोड़ा कोशिश करेंगे पढ़ाने के लिए आप लोगों को। और फर्स्ट चैप्टर इज अबाउट, दिस इज बेसिकली एनर्जी एफिशिएंसी, द गाइड फॉर एनर्जी एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज। और उसका फर्स्ट चैप्टर जो है, दैट इज बेसिकली ऑन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, बेसिक ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम। फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम के ऊपर है, उसी को आप स्टडी करेंगे। ओके, आप लोगों को वार्म वेलकम और थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अंदर क्या क्या आएगा? इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई सिस्टम, इलेक्ट्रिकल बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग, इलेक्ट्रिकल लोड मैनेजमेंट एंड मैक्सिमम डिमांड कंट्रोल, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट एंड बेनिफिट्स, ट्रांसफार्मर्स, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस इन इंडस्ट्रियल सिस्टम, असेसमेंट ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस इन पावर सिस्टम, एस्टिमेशन ऑफ टेक्निकल लॉसेस इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिमांड साइड मैनेजमेंट, हार्मोनिक्स एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। ओके ओके, आई थिंक आई डोंट थिंक वी विल बी एबल टू कंप्लीट दिस होल चैप्टर टुडे। आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू कंप्लीट द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? इन दिस चैप्टर यू लर्न अबाउट द इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई लिंक्स फ्रॉम जनरेशन टू एंड यूज। जहाँ से जनरेट होता है, एक जगह में जनरेट होता है, दूसरी जगह एंड यूज होता है, ये दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिकल पावर लिंक्स होता है। एक जगह हम सपोज आई हैव बीन वर्किंग इन 2000 मेगावाट पावर प्लांट में, 2000 मेगावाट पावर प्लांट में काम करा, तो मैं 2000 मेगावाट पावर प्लांट अगर हम लोग जनरेट कर रहे हैं, तो एंड यूजर घर में जो लाइट जलती है, फैन चलती है, वो वहाँ तक कैसे पहुँचती है? ओके, देन सेकेंड है कि यूटिलिटी। यूटिलिटी सपोज आपका जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी जो है, वो उसका टैरिफ स्ट्रक्चर्स कैसा रहता है, बिलिंग कंपोनेंट कैसा रहता है, स्कोप एरियाज ऑफ बिल रिडक्शन एट प्लांट और फैसिलिटी लेवल। देन और एक कंसेप्ट जानेंगे, कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम डिमांड मीटरिंग, लोड प्रोफाइल एनालिसिस, मैक्सिमम डिमांड रिडक्शन थ्रू लोड लोड फैक्टर इम्प्रूवमेंट, और बेसिक्स ऑफ पावर फैक्टर, इट्स इम्पोर्टेंस, कैपेसिटर सिलेक्शन, साइजिंग, लोकेशन, बेनिफिट्स एंड ऑटोमेटिक पीएफ कंट्रोल। यहाँ तक हम आज बेसिकली कोशिश करेंगे यहाँ तक पढ़ने के लिए। थैंक यू, अभी स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। पहले चीज़ हम लोग शुरू करेंगे कि इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई सिस्टम को फिर हम लोग इंट्रोडक्शन देना है। ओके, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ जनरेटिंग यूनिट। पहले चीज़ होता है जनरेटिंग होता है, दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटिंग यूनिट प्रोड्यूस करता है। अब हम लोग कभी कभी सिंगल लाइन डायग्राम होता है जो देखा हुआ हमने, एक जनरेटर होता है, वो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, तो वो जाके एक ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करता है, ट्रांसफार्मर कनेक्ट करता है, ट्रांसफार्मर यूजुअली स्टेप अप होता है, हमारा बेसिक स्टेप अप होता है, वो जाके अपने ग्रिड को कनेक्ट करता है, ग्रिड को कनेक्ट करता है। ग्रिड यूजुअली हाई वोल्टेज 400 KV, 765 KV, ऐसे ऐसे बहुत सारे वोल्टेज में रहता है। और जो हमारा जनरेटिंग वोल्टेज यूजुअली लेस होता है, यूजुअली लेस मतलब कभी कभी कुछ 15 KV होता है, कुछ 11 KV होता है, 20 KV होता है, ये कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स है, कुछ कुछ कंपनीज इस बेसिस में जनरेट करता है। डिपेंडिंग मतलब कम वोल्टेज में जनरेट करने का कारण है कि हम लोग ऐसे ही हमको स्टेप अप करना पड़ता है। उसका रीज़न है कि हमारा कम वोल्टेज में जनरेट करने से उसका इंसुलेशन रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। ओके, दैट इज इट। ओके, दैट्स इट। उसके बाद हम लोग हाई वोल्टेज, उसके बाद क्या होता है कि जनरेट होता है, देखा कि जनरेट हो रहा है, जनरेट होने के बाद उसको हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, पावर को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन के ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। और दूसरा क्वेश्चन है कि हाई वोल्टेज, वोल्टेज हाई रखने का क्या रिक्वायरमेंट है? अगर एक चीज़ है कि वोल्टेज अगर हाई रखेंगे और पावर एक होता है, पावर इक्वल टू बेसिक फॉर्मूला आपको पता है, पावर इक्वल टू वी इनटू आई। ठीक है, अगर वोल्टेज हाई रखेंगे तो करंट रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, करंट सेम पावर ट्रांसमिट करने के लिए करंट रिक्वायरमेंट करंट कम हो जाएगी, सेम पावर में करंट कम हो जाएगी। तो करंट कम हुआ मतलब कंडक्टर साइज कम हुआ, कंडक्टर साइजिंग ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, करंट
current of this current carrying capacity of the system. Okay, this is the reason we usually transmit this to high voltage. और और बाकी सारे रीजन मेन रीजन वोल्टेज वोल्टेज हाई वोल्टेज में करेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप्स तो कम होता है, लॉसेज भी कम होता है. ज़्यादा अगर ज़्यादा करंट के थ्रू करें, ज़्यादा करंट वाले सिस्टम में करेंगे तो लॉसेज ज़्यादा होने के चांसेस है. ओके, इसके पीछे कारण जो भी है उसको हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे. ओके, देन उसके बाद ये ट्रांसमिट हुआ, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स दैट डिलीवर्स द इलेक्ट्रिसिटी टू फाइनल कंज्यूमर. जो फाइनल कंज्यूमर जो हम लोग घर में लाइट वाइट जलाते हैं. सबस्टेशन स्टैक करें तो पीसेस टू ईच अदर, सब लोगों को इंटरकनेक्टिंग जो एक नोड होता है यूजुअली उसको सबस्टेशन नाम देते हैं. एनर्जी कंट्रोल सेंटर्स टू कोऑर्डिनेट द ऑपरेशन ऑफ द कंपोनेंट. एनर्जी कंट्रोल सिस्टम आपका SLDC बोल देना, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर होता है. RLDC होता है, रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर होता है. NLDC होता है, NLDC नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर होता है. ये बेसिकली ट्रांसमिशन का जो किधर कितना कहाँ पावर जाना है ये सब कंट्रोल करते हैं. तुम इसको डायरेक्ट करते हैं, तुम कितना जनरेट करो, जेनेटिक यूनिट में जनरेट करो. इसको बोलो कहीं ना स्विचिंग ऑपरेशन भी, मतलब पावर ग्रिड जो होता है, पावर ग्रिड जो है ना, पावर ग्रिड एक अपना ट्रांसमिशन यूटिलिटी है, उसको उन्होंने ये लोग डायरेक्ट करते हैं. ठीक है, द एनर्जी दिस इज द एनर्जी कंट्रोल सेंटर्स टू कोऑर्डिनेट द ऑपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स. ओके, इन लोग कंपोनेंट कोऑर्डिनेट करेंगे. ओके ओके, आगे है इस ये जो एक दिखाएगा आपको, ये आपको सिस्टम दिखाएगा एक कर, ये आपको जनरेटिंग पावर प्लांट. पावर प्लांट कहाँ कहाँ से, कोल से चलता है, गैस से चलता है. ये कोल के सिंबल है, ये गैस के सिंबल है. इसके बाद ये अपना आपको किसमें चलता है, न्यूक्लियर फ्यूल ये सब चलता है, पावर प्लांट चलता है. उसके बाद सबस्टेशन में जाता है, सबस्टेशन में क्या वोल्टेज लेवल चेंज करता है, स्विचिंग करता है, बहुत सारा काम करता है. या ट्रांसमिशन आता है, फिर से उस सबस्टेशन में जाता है. बस स्ट्रेटेजिक लोकेशन में सबस्टेशन रहता है, नोड पॉइंट होता है, कहाँ कहाँ आपको कौन कस्टमर है, मतलब जनरेटिंग यूनिट कहाँ पर है, कस्टमर्स कहाँ पर है, उसी के बेसिस में सबस्टेशन लोकेशन होता है. सबस्टेशन कुछ कुछ सबस्टेशन में ट्रांसफार्मर रहता है, कुछ सबस्टेशन में ट्रांसफार्मर नहीं रहता है. ओके, पावर जनरेटर जनरेशन प्लान, पावर जनरेशन प्लान में क्या क्या होता है, फॉसिल फ्यूल होता है, फॉसिल फ्यूल्स होता है. ओके, फॉसिल फ्यूल रहता है, उसमें क्या क्या रहता है, कोल ऑयल नेचुरल गैस न्यूक्लियर एनर्जी फॉलिंग वाटर हाइडल वाला सिस्टम है कॉमनली यूज एज एनर्जी सोर्सेज. अभी तो सोलर आने लगा है, सोलर बूस्ट में है, विंड भी अच्छा से चल रहा है, टाइडल भी चल रहा है, ये बहुत सारा बायो जनरेशन भी चल रहा है. ओके, ये क्या बोलते हैं, नॉन कन्वेंशनल बोलते हैं इसको. ठीक है, नहीं हुआ, आगे बढ़ते हैं. ए वाइड एंड ग्रोइंग वेराइटी ऑफ अनकन्वेंशनल जनरेटर, अनकन्वेंशनल जनरेशन जनरेट टेक्नोलॉजी फ्यूल्स आर बीन डेवलप्ड इंक्लूडिंग को जनरेशन, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वेस्ट मटेरियल, ये डिपेंड करते हैं. अबाउट 70% ऑफ द पावर जनरेशन कैपेसिटी इन इंडिया फ्रॉम कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स. 70% पावर जनरेशन, द प्रिंसिपल ऑफ कोल फायर पावर जनरेशन इज इन द फिगर 1. Coal energy stored in coal is converted into electricity in a thermal power plant. Coal is pulverized to the consistency of talcum powder. पहले बचपन में जब सुना होगा तो talcum powder चेहरे पे लगाते थे बच्चे लोग, वो पाउडर जैसे बनाते हैं, बन जाता है पूरा कोल. उसको ब्लो किया जाता है कि मतलब एक आग जलता हुआ कुछ भट्टी में ब्लो किया जाता है. ब्लो करने के बाद अराउंड 13 degree 100 टेम्परेचर जनरेट करता है. 13 degree टेम्परेचर जो दैट इज यूज टू कन्वर्ट दैट वाटर टू स्टीम. बेसिक वाटर स्टीम, देन स्टीम इज हाई प्रेशराइज्ड सिस्टम लाइन जैसे रहता है कि प्रेशराइज होता है स्टीम. उस हाई प्रेशर स्टीम आपको जनरेट करने के लिए ओके हाई प्रेशर स्टीम जो है स्टीम टरबाइन को पिंच करते हैं, स्पिन कराते हैं और वो फाइनली जनरेटर को रोटेट करते हैं, वो दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ओके, हाँ, इंडिया में हम लोग जब कोल पावर प्लांट के एफिशिएंसी को सोचते हैं यूजुअली 28-35% के अंदर होता है. वो भी सबके लिए समान है तो कुछ कुछ साइज बड़ा साइज आजकल सुपर हीटेड बॉयलर यूज हो रहा है, ये सब सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भी आ गया है, उसकी जगह में एफिशिएंसी थोड़ा बढ़ गया है. देन साइज के ऊपर डिपेंड करता है, ऑपरेशन प्रैक्टिसेस कितना एफिशिएंट ऑपरेशन करे, फ्यूल क्वालिटी
कुछ कुछ मतलब फ्यूल सपोज कोल में वेराइटीज है, बिटुमिनस बिटुमिनस लिग्नाइट ये सब वगैरह है ना, ये सब कोल वेराइटी के ऊपर डिपेंड करता है, क्वालिटी क्वालिटी ऑफ कोल एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कितना कैपेसिटी यूटिलाइज करे। वेयर द फ्यूल आर द सोर्स ऑफ जनरेशन, कॉमन टर्म्स यूज इन फ्यूल क्वालिटी मैनेजमेंट। एक कंसेप्ट है कि जो हीट रेट है, हीट रेट एक कंसेप्ट है, ओके, इट रिफ्लेक्ट्स द एफिशिएंसी ऑफ जनरेशन। हीट रेट में ऐसे हीट रेट याद आप लोग याद रखिए, लोअर द हीट रेट हायर इज द जनरेशन एफिशिएंसी। अगर ये हीट रेट लोअर है तो जनरेशन एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो उसमें कुछ कुछ यूनिट्स है, यूनिट है किलो कैलोरी और किलो जूल पर, ठीक है, और किलो जूल में हीट रेट को भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा ये जनरेशन की पार्ट है। जनरेशन हम बेसिकली हम लोग क्या देखें, देखो ये कोल सप्लाई है, इधर देखो कोल सप्लाई है, कोल सप्लाई उसको पल्वराइजर से छोटा छोटा पाउडर से पाउडर फॉर्म में बनाते हैं, उसके बाद बॉयलर के अंदर घुसाते हैं, इनिशियल बॉयलर इग्नाइट किया जाता है, उसके बाद ये पाउडर कोल जाता है ना, उसको और ज़्यादा हीट होता है, गर्म हो जाता है पानी, तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है 1300 डिग्री सेल्सियस, तो ज़्यादा 1300 डिग्री सेल्सियस यहाँ तक तो जो हीट 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 इट सेल्फ फायर इट सेल्फ ओके दैट फायर इट सेल्फ यूज टू कन्वर्ट दैट वाटर 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 को स्टीम को कन्वर्ट करते, प्योर वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर जाते, ठीक है, स्टीम में कन्वर्ट स्टीम इज प्रेशराइज एंड पास दो सम पाइपलाइन, दैट प्रेशराइज स्टीम इज यूज टू रोटेट द स्पिन द टर्बाइन, दैट द स्पिन इज द टर्बाइन एंड द जनरेटर आर कनेक्टेड इन वन सिंगल शाफ्ट, देन जनरेटर इट्सेल्फ रोटेटिंग इन अराउंड सिंक्रोनस स्पीड सम इन मैक्सिमम इन अराउंड केसेस अराउंड 3000 rpm 3000 rpm में घूमता रहता है, 3000 rpm जो घूमते 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 तो आपको जनरेटर को जनरेटर का टर्मिनल में वोल्टेज जनरेटर होता है 15 kV 15.7 kV 20 kV 11 kV जनरेटर होता है, दैट जनरेटर इज कनेक्टेड टू सबस्टेशन ग्रिड सेटअप स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर ऑल दोस थिंग इवेंचुअल दैट इज पावर इज ट्रांसफर टू डिस्ट्रीब्यूशन।